नसरुल्ला शिपेंकर बेंगलोर से इन्होंने सवाल अर्ज खिदमत की है कि क्या फतावा रजविया सुन्नी मदारिस के अलावा और मदरसों में भी पढ़ाई जाती है, और क्या देवबंदियों के चंद आम एतराजात को जानने के लिए उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि बहिश्ती ज़ेबर, सीरत मुस्तकीम, तहज़ीर उन्नास वगैरह। क्या ये किताबें आज के दौर में पुरानी जिल्दों में दस्तियाब हैं? जवाब इनायत फरमा दें। हमारी मालूमात के मुताबिक फतावा रज़विया मदरसों में पढ़ाई नहीं जाती है, बल्कि उलमा अपने तौर पर इसका मुताला करते हैं, यानी निसाब में दाखिल नहीं है। और देवबंदियों वहाबियों के यहाँ पढ़ाई जाती है या नहीं, आप फ़ोन करके देवबंदियों वहाबियों ही से पूछ लें तो वो बताएंगे कि हम फतावा रज़विया पढ़ाते हैं कि नहीं। और रहा आपका ये सवाल कि देवबंदियों किताबों का मुताला कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब वही है कि सांप के बिल में हाथ वही डालेगा जो उसका मंत्र जानता हो, लिहाजा जो इल्म कायद इल्म कलाम का माहिर हो और ऐसा माहिर कि उनके तमाम अकायद का जवाब देने की पहले से सलाहियत रखता हो और उसके बाद दलाइल और जवाब का ध्यान में अंबार हो, मुताला में अंबार हो, उसके लिए इजाज़त है। वरना जो तैरना न जानता हो, जाहिर सी बात है जब समंदर में कूद जाएगा तो डूब के मर जाएगा, इसके अलावा उसे और कुछ हासिल नहीं है। खुलासा ये कि जो उनकी किताबों को के जवाब देने और तैयार करने की सलाहियत रखता है तो वो रद्द व तरदीद की नीयत से उनकी किताबों का मुताला कर सकता है, जिसके अंदर इस बात की सलाहियत नहीं है उसके लिए मुताला करना हराम हराम, सख्त हराम, जहर कातिल और उसके लिए सख्त मुजीर और नुकसानदेह है कि गुमराह होने का अंदेशा ही नहीं बल्कि जन्ने गालिब है।